हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रोलीज़ लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ केश किंग स्कैल्प एंड हेयर मेडिसिन आयुर्वेदिक ऑयल का रिव्यू, जो कि आप लोग देख सकते हैं कि इसकी जो ख़ास बात मुझे ये लगती है कि इसमें ये जो इसके कैप में ये जो कुंभ बना है, इसके थ्रू जब आप अपने बालों में लगाते हैं ऑयल, तो ये डायरेक्ट आपकी स्कैल्प तक जाता है और आपकी जड़ों को मजबूत बनाता है। ये 21 आयुर्वेदिक हर्ब से बना हुआ तेल है, जो कि काफ़ी आपके बालों को फ़ायदा करता है। आप इसकी लिड को ओपन करेंगे और उसके बाद आपको एक ये कोम्ब जैसा मिलेगा और उसको आपको अपने बालों पे मांग निकाल निकाल के लगा लेना है, और ये आपके बिल्कुल रूट के अंदर तक जाएगा और आपके जो रूट के अंदर तक आपके बालों के जो फ़ायदे हैं, जो इनमें हर्ब्स मिले हैं, उनके जो फ़ायदे हैं, आपके बिल्कुल स्कैल्प तक जाएगा। तो आपके जो बाल हैं वो बहुत, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस अगर बताऊं तो बहुत टाइम लग जाता है, बट हाँ असर करता है। इससे आपके बाल नए उगते हैं, बट बहुत टाइम लगता है उनमें, तो बाल हेल्दी होते हैं। ये मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ, काफ़ी पहले मैं इसको यूज़ कर चुकी हूँ। इसको लगाने का तरीका भी बहुत आसान है और इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं आप लोग देख सकते हैं। जापा, ब्राह्मी, भृंगराज, आंवला, मेथी और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं। गुड़हल के फूल हम लोग घर पे बहुत बचपन में जब होते थे तो मम्मी बनाया करती थी उसका ऑयल और हम लोग अपने बालों में लगाया करते थे। भृंगराज भी बहुत फ़ायदा करता है हमारे बालों को। आंवला तो आपको पता ही होगा। तो अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, स्कैल्प दिख रही है, तो आप इसको चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। 300 ग्राम की जो बॉटल है वो 256 रुपये में ऑनलाइन मिल रही है, और इसका जो लिंक है मैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से परचेस कर सकते हैं। और अगर आप इसको लोकल लेना चाहते हैं तो किसी भी मेडिकल स्टोर पर आपको मिल सकता है, बहुत आसानी से मिल जाएगा। इसकी आप एक छोटी सी बोतल पहले लेके ट्राई करें और अगर आपको फ़ायदा करता है तो आप इसको ज़रूर लगाएं। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि कोई भी चीज़ जादू नहीं होती है कि आप उसको यूज़ करें और तुरंत वो बिल्कुल जादू की तरह आपके चीज़ को, चाहे वो स्किन से प्रॉब्लम हो, चाहे वो किसी चीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो थोड़ा सा हमें पेशेंस रखना पड़ता है। तो ये जो वीडियो थी आज मैं यहीं पे स्टॉप करना चाहूँगी, और आई होप आप लोगों को ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। तो अगर कोई और रिक्वेस्ट या फिर कोई जानकारी किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, कमेंट करके जैसे भी आपको कोई सजेशन या फिर कोई क्वायरी हो बताना। मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।